नमस्कार, एफटी न्यूज में मैं ज्योति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर साधु संतों में खुशी की लहर कहां की। जब से प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से अयोध्या के विकास कार्यों में तेजी आ गई है। उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और आज दीपावली दीपोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने का कार्य किया जा रहा है। हम सभी साधु संत उनका आभार व्यक्त करते हैं। दीपावली का पर्व एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें लक्ष्मी की पूजा व घरों को मनमोहक लाइटों व स्वादिष्ट मिठाइयों से लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आपको बताते चले कि पिछले 4 वर्षों से अयोध्या में दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है, जिसका जिम्मा प्रदेश सरकार ने अपनी देखरेख में रखा है। इस बार की दीपावली वर्चुअल के तौर पर मनाई जाएगी। लोग घरों में ही पूजा पाठ कर टीवी चैनलों के माध्यम से दीपोत्सव का कार्यक्रम देख सकेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए दीपोत्सव के स्थल पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। ड्रोन कैमरे से उसकी निगरानी की जाएगी और जगह जगह फोर्स तैनात की जाएगी। दीपोत्सव के स्थल पर किसी के का भी आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी सरकार राम भक्त सरकार है, राम जी के चरणों परम अनुराग रखती है और उसकी श्रद्धा निष्ठा राम जन्मभूमि बनाने में स्पष्ट रूप से दिख रही है और इसी का प्रतिफल है कि बीजेपी को हर स्थानों पर लाभ प्राप्त हो रहा है। कहीं भी बीजेपी को हानि प्राप्त नहीं हो रही है और यह दीपोत्सव हमारे श्री योगी जी ने, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया, बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। ये ऐसा लगता है उस समय जैसे त्रेता युग में श्री राघवेंद्र सरकार के आगमन पर दीप मालाएं जलाई गई थी। और ये दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है, ये 2 के कारण से हुआ। एक तो श्री राम जी महाराज के 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ण करने के बाद राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद प्रसन्न होकर के सारे अयोध्यावासियों ने दीपमालाएं प्रज्वलित की, तो आज भी वो दीपमालाएं सारे विश्व में प्रतीक के रूप में प्रज्वलित हो रही हैं। देखिए, पहले तो बेटा मैं आपके चैनल को एक बहुत बड़ी बधाई दे दूं दीपावली की। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका चैनल बढ़े, आगे फले फूले, बढ़िया टाइप से आपका काम। अब आप मेरे से पूछना चाहते हैं दीपावली पे। दिवाली पे क्या है कि ये 4था दीप उत्सव है अयोध्या जी के अंदर, जो राम पैड़ी पे होता है, सब जगह होता है, पूरे अयोध्या जी में होता है। 5 लाख के आसपास में दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन अब के जो कार्यक्रम हो रहा है दीपक उत्सव, ये कुछ अलग है। पिछली बार जो हुआ था उससे सबसे अलग है, क्योंकि जिस समय ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, उसके बाद में ये पहला दीप उत्सव हो रहा है जो बहुत ही खास तरह से हो रहा है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद भी भाग ले रहा है। जो दीपोत्सव 13 तारीख को है और उसकी पूरी तैयारी सुरक्षा की प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। हम लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कल स्थल लिया है।